हे दोस्तों नमस्कार। हमारे अपने YouTube चैनल टोटल स्टडी आई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस एसीएफ या फॉरेस्ट रेंजर के लिए जो एग्जाम होगा मेंस का, अभी प्री के रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें उसके लिए बुक लिस्ट कौन कौन सी बुक से पढ़ें और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, काफ़ी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हैं, तो आइए बात करते हैं। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा, पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, दो पेपर होंगे, जिसमें पहले में रहेगा साइंस टेक और इन्वायरमेंट, इसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे में जो दूसरा पेपर होगा, पहले पेपर में रहेगा मैथ्स, एमपीजी के और हिंदी और इंग्लिश, ये दो 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 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा दोस्तों, ठीक है, और 50 का इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक से पढ़ें। दोस्तों मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, आप परीक्षा वाणी की बुक आती है, काफ़ी अच्छी रहती है, लगभग 150 रुपये के आसपास आएगी, तो इसकी तीनों बुक ले लें आपको, साइंस की, इन्वायरमेंट की, टेक्नोलॉजी की, ठीक है, आप इसी से पढ़ें। इसके जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव खास करके ये खासियत है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो उसमें क्या है, वो मतलब ये बताया कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया है, किस एग्जाम में, और इसके परीक्षा दृष्टि नाम से उसमें ब्लैक मतलब बॉक्स में कुछ मटेरियल दिया, उसको आप अच्छे से पढ़ते चलें, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से 3-4 बार आप पढ़ लें, आपको काफ़ी क्वेश्चन फंस जाएंगे। एमपी के लिए मैं आपको बताऊं, एमपी के लिए मैग्रा हिल्स की बुक आती है, राकेश गौतम और जितेंद्र सिंह भदौरिया जी की, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इससे आप एमपी का पढ़ें। और मैथ्स के लिए आप पढ़ सकते हैं आरएस अग्रवाल या एमपीपीएससी के लिए सीसेट की कोई बुक आती है, उसका यूज कर लें। और आप ये हिंदी के लिए लूसेंट पढ़ लें, इंग्लिश को भी लूसेंट से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि आप किस से क्या पढ़ें। दोस्तों परीक्षा वाणी ध्यान रखना, काफ़ी अच्छी बुक है परीक्षा वाणी, ध्यान रखना, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। एमपी के लिए मैगराल चाहिए तो आप ले ही लें, क्योंकि ये परीक्षा वाणी बहुत कम लोगों को पता है, साइंस, और आप थोड़ा यदि आपके पास लूसेंट हो तो उससे भी साइंस टेक ये इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट कम ही दिया है उसमें, साइंस तो दिया भी है लेकिन इन्वायरमेंट तो कम दिया है, तो ये आप देख लें, और साइंस टेक भी लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो आप ले ही लें क्योंकि सेपरेट पेपर हो रहा है ना, तो इसीलिए आपको सेपरेट बुक चाहिए। देखिए इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की एक बुक आती है, जीव विज्ञान की अलग आती है, और ये इन्वायरमेंट की अलग आती है, और टेक्नोलॉजी की अलग आती है, लगभग आपको 4 बुक लेनी पड़ेंगी। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद।